से ढूंढ रहा था, नींद आ रहा है मुझे। अरे आप मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? अरे सोने दो ना यार। अरे कौन हो आप? सबसे गाइड कर रहे थे, तुम्हारा पता नहीं कहाँ चले गए। अरे लेकिन हो कौन आप? सोने दो बाबू। बाबू? अरे आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपकी बाबू नहीं हूँ। अरे यार क्यों ऐसा परेशान कर रही हो, रात भर तो लड़ाई की वजह से सोने नहीं। लड़ाई? अरे मैं तो आपको जानती भी नहीं, आपको लगता है गलतफहमी हुई है। देखो तो इधर, आप कौन हो? ये तो देखो मैं कौन हूँ। अरे अरे यार सोने दो ना। सोने दो? देखिए देखिए, आपको लगता है गलतफहमी हुई है, मैं आपकी बाबू सोने नहीं हूँ। उठो आप। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे यार कौन हो? सुनो ना यार, परेशान क्यों कर रहे हो, सोने दो ना हमें। अरे यार मैं तो जानती भी नहीं आपको। हटो, सोने दो ना। अरे सुनिए ना आप, उठिए आप, आपको मैं नहीं जानती, एक्सक्यूज मी। अरे शिट। हेलो हेलो, मत परेशान करो, घर पे लड़ाई कर लेना ना। घर पे लड़ाई कर? नींद आ रहा है, तुम रात को सोने ही नहीं दी मुझे यार। अरे मैंने क्या किया? आपको लगता है आपकी गर्लफ्रेंड कोई और है, मैं नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है। अरे सुन रहे हो आप? हेलो, कर लेना ना लड़ाई बाबू, घर पे कर लेना, कोई बात नहीं, सोने दो ना अभी। अरे सुनिए, आपको लगता है शायद मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूंगा। शादी कर लोगे? रे यार, हेलो। अरे यार बेबी पता नहीं कोई मुझे बाबू बाबू बोल के मेरी गोद में आके सो गया है। नहीं मुझे नहीं पता कौन है। अरे मैं सच में नहीं जानती, मैं उठा रही हूँ तब से ये उठ भी नहीं रहे। ये बोल रहे कि रात भर तूने झगड़ा किया, पता नहीं शायद कुछ हुआ होगा। किससे बात कर रही हो बेबी? बेबी? अभी भी वो मुझे बेबी बोल रहे, पता नहीं। हाँ मैं कॉल करती हूँ, एक मिनट बस। हेलो, सुनेंगे आप? आपको लगता है शायद गलतफहमी हुई होगी। यार सुनो दो ना बेटा, क्यों परेशान कर रहे हो? देखिए देखिए मैं आपको नहीं जानती हूँ सच में। हेलो, आप उठो तो सही एटलीस्ट। अरे बाप, क्यों? मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। कौन? मैं तो बस रैंडमली यहाँ पे बैठी थी। अरे मेरी गर्लफ्रेंड थी ना भी यहीं पे, आप भी ब्लैक पहने हो क्या? अरे पता है हम लोग का लड़ाई हो गया था ना। अच्छा। रात भर मुझे सोने नहीं दी, इधर ही ब्लैक अपने बैठी, तो मुझे लगा कि वो वहीं बैठी है। कहाँ चली गई? शायद कहीं गई होगी, लेकिन मैं नहीं हूँ। अरे नींद आ रहा है काफी मुझे, क्या करूँ। आप उसको फोन वगैरह तो करो, वो किधर है, पूछो तो एटलीस्ट। फोन दोनों उसका मेरे पास है, वो लड़ाई करके गई है पता नहीं। अच्छा नहीं ना। अरे लेकिन शायद आपको मेरे से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आप उसको जाके ढूंढो तो एटलीस्ट, वो किधर गई, वो गुस्से में है तो। सुन रहे हो आप? कुछ ज्यादा लड़ाई किया क्या उसने? कुछ ज्यादा लड़ाई हो गई क्या? अरे यार क्यों लड़ी आपसे? लेकिन वो पता नहीं, पर मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ रहा है थोड़ा। मैंने ऐसे पकड़ के सो पकड़ के सो गए, लेकिन उसको ढूंढोगे नहीं? यार वो मेरे से लड़ाई करती ना, पर मैं उसको ऐसे पकड़ के ही सोता हूं, ऐसे थोड़ा देर सो जाना। मैं वो नहीं हूं ना। तो क्या हो गया, आपका बॉयफ्रेंड है क्या? हां सच में? हां पर आप इतने अच्छे हो यार, आप कैसे बॉयफ्रेंड बना सकते हो? अरे तभी तो है मेरा बॉयफ्रेंड। कोई बात नहीं, थोड़ा देर सो जाऊं, वो देख थोड़ा रहा है ना। अरे वो आ ही रहा है, वो इधर ही गया, वो भी आ रहा होगा। कोई बात नहीं, बता देना ना आपकी, इसको नींद नहीं आता है अकेले में, तो मैं ना अपने मतलब गर्लफ्रेंड को ऐसे ही पकड़ के सोता हूँ। अरे लेकिन तो मुझे आदत है इसलिए। आपकी गर्लफ्रेंड देखो यहीं कहीं पे होगी, उसको ढूंढो तो एटलीस्ट पहले। यार कहाँ, फोन मेरे पास है ना, पता नहीं जगह पे मेरे को बोले कि बीच पे चलना है, तो यहाँ पे है ही नहीं, मैं कहाँ ढूंढू उसको। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम? यार आप कितने अच्छे हो ना, काश कि आप मेरे गर्लफ्रेंड होते यार, आप तो लड़ाई भी नहीं करते कभी, आप कितने प्यार से सुला रहे हो। लेकिन मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। कर लो ना यार ब्रेकअप, वो अच्छा है आपके लिए? हाँ पक्का मानते हैं आपको? हाँ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मैं थोड़ी जिंदगी कटने वाला हूँ। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड का क्या होगा फिर? उसको ना उससे सेटिंग करा देते हैं आपके वाले से। यार आप अच्छे हो सब, यार लव अर्ली होगी क्या?
कोई बात नहीं। अच्छा ब्रेकअप अगर आपका हो जाए तो आप क्या करोगे? आप किसी लड़के से तो प्यार फिर करोगे ना? ब्रेकअप हो जाए तो शायद हो सकता है मैं जिंदगी फिर अकेले ही गुजारूं। ऐसा कहने की बात होता है, करते थोड़े ना कोई शादी तो हो ही जाता है, घर वाले करा देते हैं। अरे तो घर वाले कराएंगे तो अपनी मर्जी से करा लेंगे और क्या। तो किसी और के पास जाओगे ना यार? हाँ तो फिर वो घर वाले डिसाइड करेंगे। मैं अच्छा हूँ बहुत दिल से, मतलब बहुत प्यार करूंगा मैं फिर आपको, कभी ऐसे मतलब अकेले नहीं छोड़ूंगा जैसे वो छोड़ के चला गया। इतने सुंदर लड़के कौन अकेले छोड़ जाए बताओ। सच में आप काफी क्यूट हो यार, इतने प्यारे स्माइल है आपकी। फोटो ले लें आपके साथ? हाँ आप ले सकते हो, एज अ फ्रेंड ले सकते हो। अच्छे हो ऐसे तो। क्या नाम आपने बताया? हेजल। आप तो बिल्कुल दर्शन नहीं दे रहे मुझे लग रहे हो, देखो इसमें लग रहे हो ना। अरे बाप रे। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड अभी आ ही रहा होगा, फिर आपसे पूछेगा वो कौन है क्या है। अभी उसने गुस्सा किया। क्या करूं मैं, जाऊं क्या फिर? नहीं अब बैठो ना फिर, जब तक आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आती आप बैठ सकते हो। पार्टी करने आए हो क्या? नहीं मैं बस ऐसे बीच पे घूमने आई थी। चलो ना घूम के आते हैं फिर मेरे साथ। अच्छा कोई नहीं, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम लो, मैं कल आपके साथ घूमता हूँ। अगर आप नंबर आप दे दो अपना, मैं बुलाऊंगा तो पक्का। अरे आपकी गर्लफ्रेंड का क्या होगा फिर? कोई नहीं फिर मैं ढूंढता हूँ उसको, आप इंतजार करो अपने बॉयफ्रेंड का। अरे यार क्या ये मतलब क्या हुआ? नहीं तो अभी क्या करें बताओ आप। अभी हम लोग एज अ फ्रेंड तो बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वैसे भी आपको बहुत नींद भी आ रही है। हाँ सच में नींद आ रही है, देखो चीजें पड़े हैं मेरे। तो चलो फिर थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं फिर आप चले जाना अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ के। पर काफी स्वीट हुआ आप यार, बताऊँ तो एक छोटा सा मजाक करे थे आपको जी, प्रैंक कर रहे थे उधर ना कैमरा लगा हुआ है। पर आप काफी अच्छे, मैं पक्का आपके साथ दोस्ती करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये डाल सकते हैं वीडियो? हाँ, डाल सकते हैं। एक बार हाय कर दो। हाय।